हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स है। कहता है एक डाइवर्जिंग मतलब कॉनकेव लेंस जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है और जो 15 सेंटीमीटर दूर रखा है एक कॉन्वेक्स लेंस है। ध्यान रखना, एक कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है और डिस्प्लेसमेंट उनके बीच की 15 है। दोनों की फोकल लेंथ दी है और हमसे बोलता है फाइनल इमेज कहाँ बनेगी वो बता दो। तो रे डायग्राम से पढ़ लेते हैं, किसी बड़े फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। तो देखो बेटा, हमारे पास दो लेंसेज हैं और इनके बीच का सेपरेशन कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर। एक प्रिंसिपल एक्सिस अगर यहां से ड्रॉ कर ली जाए इस तरह से, ये प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये समझा जा सकता है कि ये कॉनकेव है और कॉन्वेक्स है। क्वेश्चन के हिसाब से डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग लिखे हैं। डाइवर्जिंग वाले का फोकल लेंथ है 25, मैं F1 लिख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर F2 लिख देते हैं जो कि आपको दिखा है 20 सेंटीमीटर। एक कोई पैरेलल रे अज्यूम कर लो, ये रहे आपके पैरेलल रेज, राइट। कोई पैरेलल रे आएगा और ये डाइवर्जिंग है, क्या करेगा? अपन लोग को बहुत बेसिकली चीजें पता होती हैं, पैरेलल आएगा तो ये डाइवर्ज हो जाएगा बच्चों, इस तरह से, ठीक है। ये डाइवर्ज होगा और ऐसा लगेगा कि फोकस से बैठ के किसी ने इसको चला दिया था, तो अपन इसको वर्चुअली पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे और ये पॉइंट एग्जैक्टली फोकस होगा इसके लिए। मतलब क्या कहने का है कि ये चीज 25 सेंटीमीटर पे होगी। ये 25 है, ये 15 है, ऐड करोगे तो हो जाएगा 25 प्लस 15 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। और कोइंसिडेंटली यहाँ पे लिखा है 20, दैट मींस इसका जो F और 2F होगा सेकेंड फोकस, वो भी कितने दूर होगा, 40 पर होगा, राइट। और इसके पहले की कहानी क्या है, आपके पास पैरेलल रेज आके क्या कर रहे हैं, डाइवर्ज कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए तो ये जो रे है और ये तो एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा ना, ऑब्जेक्ट फॉर कॉन्वेक्स, राइट। अब यहां पर बैठ के देखो, ये 2f लिखा है तो ये इसके लिए भी क्या हो जाएगा, 2f ही कहलाएगा। और 40 पे बना है अगर ऑब्जेक्ट, तो 40 पे ही बनेगी आपकी जो फाइनल इमेज है, जो आपकी फाइनल इमेज है। और इमेज कैसी होगी, ये रियल रेज है तो आपका आंसर हो जाएगा रियल। और कितने डिस्टेंस पे बन रही है बच्चों, ये 40। बस स्लो डायग्राम पे पढ़ना है आपको, ये दो लेंसेज हैं, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स, ये दोनों मिलके कितने बना रहे हैं, 40 बना रहे हैं। तो अपना लॉजिक क्या कहता है कि सर इस पर बैठ के अपन ऑब्जर्व करेंगे तो ये क्या होगा, 2f लिखा है मतलब ये 40 पे होगा, और ऑब्जेक्ट भी कहां पर है, 40 पे है। तो ऑप्शन हो जाएंगे अपने, रियल बन रहा है और 40 पे बन रहा है फ्रॉम कन्वर्जिंग, ये कन्वर्जिंग है और रियल बन रही है, ऑप्शन 1 ही हमारा सही होगा, ठीक है। काफी इजी प्रॉब्लम था, सिर्फ आपको रे डायग्राम बनाना था, ना कोई फॉर्मूला, ना बहुत एक्सट्रीम लॉजिक लगाना है, कुछ नहीं करना है, बस रे डायग्राम कंप्लीट कर लोगे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स काइंडली लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।